नमस्कार दोस्तों, सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ और विजुअल्स आप तक पहुँच रहे हैं। आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ अनअकैडमी UPSC के यूट्यूब चैनल पर दोस्तों, जहाँ बात करने वाले हैं अपने कैप प्रोग्राम यानी आज बात हुई कैप लेक्चर 7 की। टॉपिक हो इकोनॉमिक्स अपडेट का दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज़ पहुँच रही है और आपने कल के दोनों लेक्चर देख लिए हैं। अब शायद क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पा रही दोस्तों? जी हाँ, लगता है हम कनेक्ट हो चुके हैं। आप सभी को नमस्कार दोस्तों मेरा। लाइक और शेयर का बटन दबाइए, नहीं दबाया तब तक आपने फटाफट लाइक और शेयर करिए दोस्तों। यहाँ पर सभी को नमस्कार मेरा, सभी को नमस्कार दोस्तों। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आपके संग अपना लेक्चर आज का। कल अपना लास्ट टॉपिक था दोस्तों, हमने कल बात की थी आपके साथ, हम पहुंच चुके थे इकोनॉमिक 2 की। हम बात कर रहे हैं दोस्तों आपके साथ, कल हमने बात की थी ओम्बुड्समैन स्कीम के बारे में दोस्तों, कल बात हुई थी लीड्स आदि के बारे में, उड़ान स्कीम हम बात कर चुके हैं उड़ान के बारे में दोस्तों। हमने चर्चा शुरू की थी आपके साथ T+1 पर, इनोवेशन इंडेक्स पर, पेटेंट रूल्स पर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पर दोस्तों बात हुई थी आपके साथ। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं दोस्तों आपके साथ, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हमारे काम के टॉपिक देखेंगे आपके साथ, ई रूपी की हमारी बात हो गई थी कल आपके साथ दोस्तों। ई रूपी हमारा हो चुका है, संपदा स्कीम भी हमने कर लिया दोस्तों आपके साथ, एडिबल ऑयल पाम ऑयल मिशन, पब्लिक एंटरप्राइज़ ये भी हो गया दोस्तों हमारा। यहाँ पर हाइड्रोकार्बन में OLEP की बात कर ली आपके संग दोस्तों हमने कल, PM किसान योजना हमारा, मिनिमम शेयर होल्डिंग की बात भी हो गई थी कल रात में दोस्तों, लेट इवनिंग क्लास हुआ था हमारा यहाँ पर। चलिए आइए बात करेंगे आपके साथ, नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे हम लोग यहाँ से। समर्थ 4.0 हमारा यहाँ तक हो गया दोस्तों, ठीक है। ओके, सभी को नमस्कार दोस्तों, प्रारंभ करते हैं बिना देर की हम लोग यहाँ पर। टॉपिक हमारे पास है, यहाँ पर चर्चा होगी रिफॉर्म बेस्ड रिजल्ट ओरिएंटेड स्कीम। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने डिस्कॉम की लॉन्च किया स्कीम को, काम की है, दो मिनट सुन लीजिए आराम से। यहाँ पर लॉन्च किया गया तो लॉन्च नहीं किया गया उसको एक्सटेंड किया गया, तो मैं कहूँगा चल पहले से रही है स्कीम ये, इसको एक्सटेंड किया गया। ये बात करते हैं दोस्तों हम लोग, अगर सब लोग तैयार हैं फटाफट तो एक एक बटन दबाइए, सभी लोग एक एक टाइप कीजिए। हमारे हम लोग तैयार हो चुके हैं, सिंक हो चुके हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर। चलिए अच्छा दोस्तों, आज ना रात को 9 बजे 9:30 बहुत ही काम का सेशन होने वाला है दोस्तों आपके। आज 9:30 PM पर हम क्या करने वाले हैं मालूम है आपको? हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए 100 MCQ सेट ला रहा हूं दोस्तों IR पर, आपका मैराथन क्लास होगा, तैयार रखिएगा। पूरा पेपर लूँगा आपके संग, उसका 100 क्वेश्चन हो उसके अंदर। IR का क्वेश्चन होगा दोस्तों, IR प्लस मैपिंग प्लस ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस इंडेक्स रिपोर्ट्स सब होगा दोस्तों। इसमें क्या करने वाले हम लोग, IR का अपडेट, मैपिंग होगी दोस्तों इसमें आपकी, रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस जो आते हैं तमाम सारे वो रहेंगे आपके, और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस ठीक है। तो जो भी हमारे पेपर में आउट ऑफ द कहना चाहिए कार्ड से जो बेस्ट ऑफ वर्ल्ड है उसके बारे में जो भी चर्चा होंगी वो यहाँ पर होंगी आपके साथ इस MCQ सेशन में, जब डिस्कस भी करेंगे आपके साथ 9:30 पर दोस्तों आज, ठीक है। तो 9:30 पर होगा ये, तैयार रहेगा आप लोग, मैराथन सेशन होगा आपका ये 9:30 PM पर, ठीक है। ये होगा दोस्तों YouTube चैनल पर होगा अपने, ठीक है, अपने YouTube चैनल पर होगा दोस्तों। चलिए आइए बात कर दोस्तों इस नीति के बारे में, रिफॉर्म बेस्ड स्कीम यहाँ पर क्या है। मिनिस्ट्री और जो कैबिनेट हमारी है सर, कैबिनेट ने क्या किया दोस्तों, एक स्कीम को एक्सटेंड कर दिया अगले कुछ समय के लिए। स्कीम का नाम है रिफॉर्म बेस्ड रिजल्ट लिंक रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर हमने क्या किया, स्कीम को एक्सटेंड कर दिया है कुछ आने वाले समय के लिए दोस्तों। सुधार आधारित परिणाम लिंक पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना, कुल मिलाकर सिंपल सी बात, हमारी जो डिस्कॉम होती है, डिस्कॉम क्या होती है बेटा, जो आपके घरों में बिजली पहुँचाती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज या डिस्कॉम या विद्युत वितरण कंपनियाँ खरीदती हैं बिजली को और आपके घरों तक पहुँचाती हैं, ठीक है। बहुत घाटे में चल रही हैं कंपनियाँ, लोग बिल नहीं भरते हैं या फ्री बिजली बांटनी पड़ती है इनको कई बार, तो ऐसे में कंपनी घाटे में चलती हैं ये। तो इम्पॉर्टेंट बात है, अब
कंपनियों को एक रिपोर्ट, एक प्रकार से एक डीपीआर तैयार करनी है, डीपीआर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी है कि कैसे ये कंपनियां अपने घाटे को कम करेंगी, अपने डेफिसिट को कम करेंगी, अपनी बैलेंस शीट को सुधारेंगी। तो यहाँ पर अगर वो बनाती हैं प्लान तो सरकार उनको सब्सिडाइज, सरकार उनको सहायता दे सकती है। तो यहाँ पर डेडलाइन थी पहले अक्टूबर 2021 की, अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया 2021 के अंत तक दोस्तों। जी हाँ, तो अल्टीमेटली हमारा काम क्या है, हमारा स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य क्या है, 2024-25 तक अखिल भारत स्तर पर लगभग 12-15% TNC लॉस कम करना, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉस जो हैं, या ATNC लॉस बोलते हैं हम इसको यहाँ पर, ATNC लॉस या कहा जाए कुल तकनीकी और वाणिज्यिक लॉस जो होता है इनको, यहाँ पर जो नुकसान होता है इनको, उसमें कमी लाना 12-15% की दोस्तों। तो TND लॉस कह लीजिए, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉस कह लीजिए इसको अपने आप में, या फिर इनको ATNC लॉस भी कहते हैं हम लोग, इन घाटों को कम करना है कितना दोस्तों, 12-15% बाय 2024-25 तक दोस्तों हमको। यानी कंपनी की बात करें यहाँ पर, जितनी कॉस्ट है एग्रीगेट कॉस्ट ऑफ सप्लाई, जितनी कॉस्ट आ रही है और जितना वो रेवेन्यू रिसीव कर रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, उनके बीच का जो अंतर है, आपने बिजली खरीदी 500 रुपये की, आप बिजली को बांट के आपको आना चाहिए था 800 रुपये, लेकिन ला रहे हैं आप 400 रुपये, तो घाटा हो गया आपको, तो 100 रुपये घाटा। आखिर क्यों घाटा हो रहा है, इस राजस्व के अंतर को शून्य करना है कब तक हमको दोस्तों, 2024-25 तक। यानी कंपनी को घाटा नहीं होना चाहिए, डिस्कॉम डेफिसिट फ्री हो जाए, ये हमारा गोल है स्कीम का यहाँ पर। और यदि वो प्लानिंग करती हैं, DPR तैयार करती हैं, तो भारत सरकार उनको फंडिंग सहायता दे सकती है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस होगा दोस्तों, इस योजना के तहत यदि वो अपनी क्षमता को सुधारती हैं, अपना प्लान तैयार करती हैं, तो भारत सरकार उनको क्या कर सकती है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर उनको मदद कर सकती है अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने के लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे आप लोग यहाँ पर। तो इन कंपनियों करना क्या है दोस्तों, अपनी डिस्कॉम कंपनियों को इन योजनाओं को लागू करना है, अल्टीमेटली इन योजनाओं को लागू करना है दोस्तों। IPDS शहरी विकास के लिए है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम के लिए, गांव के लिए है, उदय स्कीम घाटों को कम करने की पहले चल रही स्कीम है दोस्तों, और लद्दाख और जम्मू कश्मीर UT के लिए PM का पैकेज है 2015 का दोस्तों, इसको हमें फोकस करना है। यानी कहीं ना कहीं यदि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ इन योजनाओं पर अधिक एफिशिएंटली काम करती हैं, मैक्सिमम लोगों तक कनेक्शन पहुंचाती हैं, अच्छे कनेक्शन पहुंचाती हैं, तो उन्हें सरकार सब्सिडाइज करेगी, सरकार सहायता देगी, इससे अपने घाटों को 2024-25 तक ज़ीरो कर सकें। तो ज़ीरो डेफिसिट की बात हो रही है यहाँ पर, यानी उनकी जो सप्लाई आ रही है और जो डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, उनके अंतर को ज़ीरो करना, उस घाटे को ज़ीरो करना दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ सारी बातें जोड़ पा रहे हैं उन लोग यहाँ पर लोग। चलिए तो ये काम की इन्फॉर्मेशन आपके लिए, स्कीम को सरकार ने एक्सटेंड कर दिया था कुछ महीनों के लिए। आगे बढ़े हम लोग यहाँ से। कपिल कह रहे हैं सर आप एक सब्जेक्ट पूरा करते हैं फिर दूसरा शुरू कर देते हैं, तो इकोनॉमी तो बात कर रहा हूँ दोस्त कपिल ना, कोई समस्या नहीं है। सर कुछ समझ नहीं आ रहा, थोड़ा स्लो समझाएं। ठीक है बेटा, एक काम करना 5 जून के बाद आप आना, पक्का स्लो समझाऊंगा कपिल, थोड़ा सा क्लास के ना 5 जून के लिए अपना, तो 5 जून के लिए थोड़ा समय कम बचा है, हमको रिविज़न कर रहे हैं बेसिकली ना, रिवीजन कर रहे हैं, कंटेंट साल पढ़ चुके हैं, योजना को पढ़ा होगा आपने कई कई बार पढ़ा होगा, आप अगर अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपने कई बार पढ़ा होगा इन योजनाओं को, मैं सिर्फ रिकॉल करा रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ आपको ना। तो रिवीजन तो मैं ऐसे ही करता हूँ, फास्ट करेंगे ना, मेरा उद्देश्य आपको एक एक घटनाक्रम कराने से, हमने अक्टूबर में किया था वैसे थोड़ी करा पाऊंगा मैं ना, अक्टूबर में तो 1 घंटे में 5 खबरें करते थे हम लोग, अब ऐसा कराऊंगा तो 365 दिन और लग जाएंगे फिर रिवाइज करने में मुझे, रिवीजन बता होता है फास्ट करना, ठीक है। तो थोड़ा समझिए, थोड़ा आप जानते, थोड़ा बता दूँ मैं आपको, याद करा दूँ स्कीम, याद हो जाएगा ना। तो कपिल थोड़ा सा सहयोग करें, अदरवाइज फुट पढ़ लीजिए, 5 जून के बाद मिलते हैं फिर आपके संग, आराम से पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग, या फिर और किसी क्लास में आ जाइए, वहाँ हम लोग आराम से करते हों।
जिनको भी थोड़ा फास्ट लग रहा है दोस्तों, छोटा सा रिक्वेस्ट है, मेरे अभी रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ मैं, अभी रिक्वेस्ट फॉर्म में बैठा हूँ कि मुझे अपना कोर्स कराने दीजिए, वरना आप डिस्टर्ब करेंगे तो क्लास बंद हो जाएगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी, जो कि बाकी बच्चों नुकसान ना हो जाए स्टेज पर आकर। तो रिक्वेस्ट सभी से, इनको थोड़ा फास्ट लग रहा है, प्लीज़ आप बाद में कर लेना, किसी और फैकल्टी को जाकर सुन लो, अकेडमी बहुत सारे फैकल्टी हमारे पास, तो बहुत ही आराम से आपको दिन भर में एक दो टॉपिक कराएंगे आराम से, वो आप वहाँ कर लो। इस क्लास में बैठना है तो थोड़ा सा आपको पेस पिकअप करना पड़ेगा दोस्तों। अब बहुत हो गया, हमने बहुत हंसी मजाक कर लिया साल भर, ठीक है अब धीमे चलते रहे, अब लेकिन अब नहीं पकड़ा पेस तो 15 दिन बाद एग्ज़ाम कैसे दोगे ना यार, 15 दिन बचे एग्ज़ाम में। फिर थोड़ा सहयोग कीजिए आप लोग, उम्मीद करूँगा मैं। आइए दोस्तों SLDE की बात करें, SLDE और GHG कैलकुलेटर क्या है दोस्तों? ये SLDE एंड GHG कैलकुलेटर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का इनिशिएटिव है दोस्तों। पहली बात तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का इनिशिएटिव है, यानी बहुत सिंपल सी बात मैं करूँगा, क्या है दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया दोस्तों, एक लॉन्च किया SLDE सिक्योर्ड लॉजिस्टिक डॉक्यूमेंट एक्सचेंज अलॉन्ग विथ अ कैलकुलेटर ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन, ठीक है। तो SLDE लॉन्च किया है, फिर हमने ग्रीन हाउस गैस इमिशन कैलकुलेटर लॉन्च किया है, जिससे देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो सके, कारोबारी सुगमता हो सके, कोई समस्या नहीं है सर। क्या है SLDE, आराम सुनिएगा दोस्तों, SLDE क्या है, कुल मिलाकर पेपर वर्क होता है लॉजिस्टिक सेक्टर में। जैसे सिंपल समझाऊँ, मेरी एक फैक्ट्री है, देखिए पढ़ने में फोकस मत क्या कीजिए, जो लिखा है स्क्रीन पर सुनिए मत, मैं जो कह रहा हूँ उसे फोकस किया, किसमें लिख के लाता हूँ तौर पर ना, खासकर हिंदी में लिख के रहा तो बच्चे हिंदी पढ़ना चालू कर देते हैं, मैं जो कह रहा हूँ उस पर फोकस ही नहीं करते हैं, तो बेहतर होता है इसको ना पढ़ा जाए, जो मैं कह रहा हूँ उसको फोकस किया जाए। हम क्या कह रहे हैं दोस्तों, आप जो लॉजिस्टिक होता है, यानी मेरी फैक्ट्री है, मेरी फैक्ट्री में सामान बना, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, अब यहाँ से वो दुकानदार तक पहुँचेगा या यहाँ से वो एक्सपोर्ट कर रहा हूँ दूसरे देश तक पहुँचेगा, इसके बीच में जो भी प्रक्रिया है वो लॉजिस्टिक्स है, वो संभार तंत्र है, बहुत सारा पेपर वर्क होता है, फैक्ट्री का मालिक पेपर जारी करता है, टैक्सेशन के पेपर होते हैं, ईवे बिल होते हैं, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बैंक गारंटी होती है, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमारे बीच, यदि मुझे माल कहीं और भेजना है तो ये जो प्लेटफॉर्म तैयार किया है दोस्तों SLDE प्लेटफॉर्म, ये जो मैनुअल प्रोसेस ऑफ जनरेशन एक्सचेंज कंप्लायंस ऑफ द लॉजिस्टिक डॉक्यूमेंट्स है उसे डिजिटलाइज कर रहा है, यानी SLDE कारोबारी सुगमता कर रहा है। एक बार बटन दबाइए, प्रिंट आउट आपके हाथ में आ गए, या ऑनलाइन प्रिंट ऑनलाइन आ गए डॉक्यूमेंट, अब ये हर जगह पहुंच जाएगा अपने आप, तो आपको मल्टीपल डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क, कागज़ दिखाओ, ये सब नहीं करना पड़ेगा। तो SLDE क्या कर रहा है दोस्तों, लॉजिस्टिक डॉक्यूमेंट, नाम से स्पष्ट है, सिक्योर्ड लॉजिस्टिक डॉक्यूमेंट एक्सचेंज मेरे पास है, मुझे टैक्स अथॉरिटी को देना है, मुझे बैंक को भेजना है, मुझे कस्टम को भेजना है, कस्टम को नोटिस मुझे भेजना है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर काम आसान हो पाएगा, है ठीक है दोस्तों, मुश्किल नहीं होगा यहाँ पर, और इसमें ऑथोराइजेशन हो कि मैंने ही भेजा है, तो ब्लॉकचेन तकनीक का यूज़ कर दिया हमने इसके अंदर दोस्तों, तो ब्लॉकचेन का यूज़ किया गया है, जिससे कहीं ना कहीं हम क्या कर पाएँ, हम ऑथोराइज़ कर पाएँ कि जिस भेजा है डॉक्यूमेंट, मैंने भेजा कस्टम को, तो कस्टम वाले जान पाएँ कि मेरे यहाँ से आया है ये, तो एक ब्लॉकचेन काम करे पूरे सिस्टम में यहाँ पर। तो ब्लॉकचेन बेस्ड SLDE फॉर लॉजिस्टिक डॉक्यूमेंटेशन एक्सचेंज, जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट लेकर आई है, जिससे कहीं ना कहीं एक बहुत तेज़ फास्ट काम होगा दोस्तों, यहाँ पर तीव्र गति से लेन देन होगा, ऑडिट करना भी आसान होगा, ट्रेल कर पाएंगे कहाँ से ऑर्डर चला, कहाँ गया, कैसे गया, तो ट्रेल कर पाएंगे दोस्तों, ऑडिट कर पाएंगे हम लोग, धोखाधड़ी का जोखिम कम होगा, रिस्क कम हो जाएगा अपने आप में, इजीली वेरिफिकेशन हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स का, काम आसान होगा दोस्तों, ठीक है ना। अब GHG कैलकुलेटर क्या, वो जान लीजिए दोस्तों, GHG कैलकुलेटर क्या है, GHG कैलकुलेटर क्या दोस्तों, एक इफिशियंट यूजर फ्रेंडली टूल है अपने आप में, क्या कर रहा है, कितना ग्रीन हाउस गैस इमिशन कर उत्सर्जन कर रहे हैं लॉजिस्टिक के दौरान, आप अपनी फैक्ट्री में सामान तैयार करते हैं, तैयार हो गया, वहाँ से लेकर दूसरे देश एक्सपोर्ट कर रहे हैं या दुकानदार तक भेज रहे हैं आप, इस पूरे वैल्यू चेन में, इस पूरे लॉजिस्टिक सेक्टर में कितना ग्रीन हाउस गैस निकलेगा या निकल रहा है, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जी हाँ, तो आप सड़क से जा रहे हैं, ट्रक लेके जा रहा है डीजल वाला, या रेल से जा रहे हैं आप यहाँ पर, तो कितना GHG निकलेगा, जो स्टोरेज हो रहा है, आप फ्रीजर का यूज़ कर रहे हैं तो कितना GHG उत्सर्जन कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर आप कंपेयर कर सकते हैं दो प्रोडक्ट को, इसका GHG मिशन कम हुआ, इसका लॉजिस्टिक ग्रीन है, और इसका लॉजिस्टिक बहुत GHG निकाल रहा है, इसका लॉजिस्टिक थोड़ा सा ख़राब है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली इफिशेंसी ऑफ लॉजिस्टिक्स एनर्जी, मैं इसको कहूँ तो अच्छा रहेगा, लॉजिस्टिक में जो ऊर्जा यूज़ की जा रही है उसकी दक्षता को बढ़ाएंगे अल्टीमेटली, उसमें ग्रीन फ्यूल को यूज़ करेंगे हम लोग, जिससे हमारा GHG कैलकुलेटर कम दिखाए वैल्यू, और हमें
अधिक टैक्स ना पे करना पड़े। तो ग्रीन हाउस गैस कैलकुलेटर क्या करता है, लॉजिस्टिक्स में जो इन्वॉल्व टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो व्हीकल हैं, जो गाड़ियां हैं, जो स्टोरेज है, वो कितना ग्रीन हाउस निकाल रहे हैं वस्तु को स्टोर करने में, ट्रांसपोर्ट करने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में, उस पर एक आपको कैलकुलेशन देता है कि क्या क्या ग्रीन हाउस गैसें निकल रही हैं। क्या मेरी बात पहुँच गई दोस्तों आप तक यहाँ पर, क्या मेरी बात पहुँच पाई है दोस्तों आप तक? ग्रीन हाउस कैलकुलेटर, ग्रीन हाउस गैस कैलकुलेटर और सिक्योर्ड लॉजिस्टिक डॉक्यूमेंटेशन एक्सचेंज SLDE, क्लियर है सर? चलिए सर, आई एम गोइंग टू अपेयर टू सिविल सर्विस इन नेक्स्ट ईयर, कितने साल की इकोनॉमी करनी पड़ेगी? 1.5 ईयर बेटा। पल्लवी सर, ये क्लास कितनी देर तक चलता है, कितनी बार तक चलता है? कितनी देर तक चलता है शायद ना, बैठिए अभी तो क्लास चालू हुआ है बेटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। PLFS 2019-20 दोस्तों आइए बात कर लेते हैं। PLFS सर्वे कौन जारी करता है, आइए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, क्या इसमें काम की चीज़ें हैं आपके लिए PLFS दोस्तों। तो PLFS अगर हम बात करें, ये सर्वे कौन जारी करता है, कौन जारी करता है दोस्तों? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है। ठीक है, नेशनल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस की बात मैं कर रहा हूँ दोस्तों आपसे यहाँ पर। NFS जारी करता है, पैराडिक लेबर फोर्स सर्वे इशूड बाय द NSO। इन पॉइंट बात है, एनुअल रिपोर्ट होती है इनकी ये। पहले हम लोग क्या करते थे, आज से 2008-09 की बात करूँ, हम जारी करते क्वार्टरली सर्वे होता था, बट नाउ डेज हमारे पास एनुअल सर्वे भी होता है। तो क्वार्टरली सर्वे चालू हो गया दोस्तों अपना, और एनुअल सर्वे भी होता है हमारे यहाँ, कितने अनएम्प्लॉयड हैं, कितने बेरोजगार लोग हैं, कितने रोजगार में हैं, इन सब की बात होती है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, तो पैराडिक लेबर फोर्स सर्वे हमारे पास आता है दोस्तों यहाँ पर, डेटा सर्वे कलेक्ट करता है कौन, NSO जारी करता है इसको, याद रखिए NSO इशू करता है। दो तीन पॉइंट में काम किए, एग्जाम में आते रहते हैं सर्वे दोस्तों इस प्रकार के। थर्ड सर्वे है बैक टू बैक, ये पहला 17-18 का आया, 18-19 नाउ एडस 19-20 का इशू किया गया लास्ट ईयर दोस्तों, 19-20 का तीसरा सर्वे जारी किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे काम का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना चल रहा है दोस्तों, बेरोजगारी दर कितनी चल रही है हमारे यहाँ पर, वो आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर वर्किंग हमारे पास पॉपुलेशन रेशियो कितना है, या लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है, वो दिख रहा है हमको यहाँ पर। आइए एक बात बता दूँ क्या क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है दोस्तों, आप जानते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट, कितने लोग काम करना चाहते हैं उसमें से कितने लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट मान लीजिए आपके देश की आबादी 130 करोड़ है, 130 में से 50 करोड़ आबादी जो है वो रोजगार विलिंग है, रोजगार एबल है, वो रोजगार चाहती भी है और रोजगार करने में सक्षम भी है। एबल एंड विलिंग दोनों चीज़ होना चाहिए, जैसे मैं रोजगार करने में सक्षम हूँ लेकिन चाहता नहीं हूँ तो मैं बेरोजगार नहीं कहलाऊंगा ना, एबल भी हूँ और विलिंग भी हूँ। लेकिन एक पर्सन हो सकता है जो विलिंग है, करना चाहता है, लेकिन वो दिव्यांग है या किसी अन्य कारण से वो नहीं कर पा रहा है। तो दोनों कंडीशन होना चाहिए, एबल हो और विलिंग हो, यानी वो काम करने योग्य हो और काम करने की इच्छा रखता हो। दैट्स वाई हम कहेंगे उसको लेबर फोर्स का पार्ट है। तो 50 करोड़ गए हमारी लेबर फोर्स, उनमें से 45 करोड़ लोग काम करते हैं, 10 करोड़ 5 करोड़ लोग बेरोजगार है, कोई काम नहीं कर रहे, तो हम कहेंगे 10% अनएम्प्लॉयमेंट रेट। जी हाँ दोस्तों, तो 50 करोड़ में से हमारे मान लीजिए 130 करोड़ में से आबादी मान लीजिए, इसमें से 50 करोड़ पॉपुलेशन विलिंग और एबल है, काम करने योग्य है, तो ये हो गया लेबर फोर्स हमारी, ये हो गई लेबर फोर्स 50 करोड़। इनमें से 45 करोड़ लोग रोजगार में हैं और 5 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, तो 5 करोड़ बेरोजगार है आउट ऑफ 50 करोड़, तो ऑलमोस्ट 10% हमारे यहाँ बेरोजगारी हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो गया बेरोजगारी दर हमारे यहाँ पर। फाइन सर, कामगार जनसंख्या बताया मैंने आपको यहाँ पर, कामगार कितने वर्किंग पॉपुलेशन है हमारे पास, लेबर फोर्स कितनी है। चलिए चलिए दोस्तों, तो ये सर्वे जारी करता है आपका कौन, मिनिस्ट्री ऑफ, माफ कीजिएगा, NSO अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स आता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आपके साथ, गॉट इट, आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग जल्दी से। जो क्वार्टरली मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जारी करता है, बेटा पहला क्लास याद करो, मैंने पहले क्लास में बताया था 5 सर्वे, आपको याद होगा सबसे पहला क्लास L1 क्लास अपना, याद करें L1 क्लास अपना दोस्तों,
बताया था आपको 11 क्लास में सबसे पहला टॉपिक जो बताया था मैंने, शायद यही हुआ था स्टार्ट, हमारा यहीं से हुआ था। 11 क्लास का पहला टॉपिक आपका यही था। याद करें, ये मैंने कराया था आपको। डोमेस्टिक सर्वे की बात की थी, बताया था 5 सर्वे करा रहे हैं हम लोग आजकल, तो 5 सर्वे का नाम लिखवाए थे मैंने आपको। एक तो डोमेस्टिक लेबर सर्वे, माइग्रेंट लेबर सर्वे, प्रोफेशनल सर्वे, ट्रांसपोर्ट सर्वे एंड ऑल इंडिया क्वार्टरली सर्वे, क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे, ठीक है ना। बताया था मैंने आपको यहाँ पर, ये अखिल भारतीय त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण दोस्तों, और ये कौन कराता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर करा रही है दोस्तों, याद रखेंगे हम लोग। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर करा रही है 5 प्रकार के सर्वे, मैं पहली क्लास में 11 क्लास में बताया था दोस्तों, बड़ा देख लीजिएगा, प्लीज़ रिकॉल कर लीजिए, वरना इस टाइम पर आके मुझसे कहेंगे तो मुश्किल हो जाएगा दोस्तों, ऐसा मत कीजिए। चलिए बात करते हैं दोस्तों एसपीआर के बारे में। एसपीआर स्ट्रेटेजिक पेट्रोल रिजर्व और नोन एज रणनीतिक तेल भंडार, आइए बात करते हैं इस बारे में हम लोग आपके साथ। यहाँ पर स्ट्रेटेजिक पेट्रोल रिजर्व की बात होगी दोस्तों, ऑलरेडी वी नो दैट कि एसपीआर जरूरी है देश के लिए। क्या खबर है हमारे पास यहाँ पर, भारत सरकार ने कहा है कि 2 और एसपीआर बनाए जाएंगे दोस्तों इंडिया में। हमारे यहाँ पर कच्चे तेल की कम चल रही थी लास्ट ईयर काफ़ी, तो सरकार ने कहा 2 और बना लेते हैं, भरकर रहते हैं तेल हम लोग यहाँ पर, आगे बने नहीं अब तक हमारे यहाँ पर। तो 2 नए कहाँ बनेंगे अपने फेज़ में, ये चांदीखोल और उड़ीसा के चांदीखोल में, और पदूर में जो है दोस्तों कहाँ पर आपका जो आता है कर्नाटक में, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर तो ये फैसिलिटी होंगी तैयार चांदीखोल में और पदूर कर्नाटक में, 2 फैसिलिटी और बना रहे हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर। ये बनेंगे PPP मॉडल के तहत बनाया जाएगा इनको। आइए चर्चा करें मामला क्या है सब पूरा यहाँ पर। राइट नाउ वी है विशाखापट्टनम, मैंगलोर एंड पदूर में ऑलरेडी 3 इस्टेब्लिश हो चुके हैं सर, 3 इस्टेब्लिश हो चुके हैं, जहाँ पर हमारे पास नियरली 5.33 मिलियन मेट्रिक टन ऑलमोस्ट 9 डेज़ की सुविधा हमारे पास है दोस्तों। उम्मीद करेंगे ये और हो पाएंगी दोस्तों, 6.5 की सुविधा और जुड़ पाएगी हमारे पास, तकरीबन हमारे पास 11-12 मिलियन टन हमारे पास तेल होगा स्टोर में। क्या होता है एसपीआर जानते हैं दोस्तों, आइए बात करते हैं एसपीआर के बारे में, जो नहीं जानते उनके लिए। एसपीआर स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व रणनीतिक तेल भंडार, समझिएगा दोस्तों। मानना है दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का कि आपके देश में जो बड़ा देश होते हैं, बड़ी इकोनॉमी होती हैं, उनको अपने पास कुछ ऑयल, कुछ रिजर्व स्टोर रखना चाहिए, भंडार का बर्फा रखना चाहिए। मान लो कभी वॉर हो जाए किसी इलाके में, तेल गैस ना आ पाए या तेल गैस बहुत महंगा हो जाए सडनली, तो आपके पास रिजर्व होगा तो आप उसका यूज़ कर पाएंगे। तो खासकर बड़े देशों को वॉर क्राइसिस से निपटने के लिए, आपदाओं से निपटने के लिए अपने पास एक स्टोर रखना चाहिए। ये स्टोर 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 50 दिन, 70 दिन का तक रख सकते हैं आप, लेकिन अनुमान मानते हैं लगभग 70 दिन का स्टॉक आपको रखना चाहिए, 70-80 दिन का स्टॉक आपको रखना चाहिए। फाइन सर, अब बात करें दोस्तों हम लोग यहाँ पर ऑयल सेक्टर की बात करें, तो भारत सरकार ने भी तैयारी की है इस बारे में। भारत सरकार ने कंपनी तैयार की है, नेशनल स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड दोस्तों हमारी कंपनी है, दोस्तों कौन सी कंपनी का नाम देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो कंपनी का नाम हमारी नेशनल स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड हमारी कंपनी है दोस्तों, ठीक है। तो इसने ऑलरेडी 3 लोकेशन नेशनल एसपीआर लिमिटेड 3 लोकेशन पर स्टैब्लिश कर लिए भंडार हमारे, गुफाओं बनाकर विशाखापट्टनम में, मैंगलोर में और पाडूर में 3 लोकेशन स्थापित कर चुके हैं दोस्तों हम लोग। गवर्नमेंट ने 2 की परमिशन और दे दी है, चांदीखोल में और पाडूर में एक और लोकेशन बनेगा बगल में, वहाँ पर और बनेगा 2 नया लोकेशन वहाँ पर, तो 2 नई लोकेशन आ रही हैं। लेकिन इस बार इसको बनाने काम कौन करेंगी, प्राइवेट कंपनियाँ करेंगी, जी हाँ दोस्तों। तो इस बार प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पे लेकर आए हम लोग, सरकार ज़मीन दे देगी, तेल भर देगी अपना, लेकिन बनाएगा कौन स्टोरेज को, गुफा कौन बनाएगा, केव कौन बनाएगा, वो बनाएगा यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर दोस्तों, ठीक है। तो ये सरकार का ऑब्जेक्टिव है, कुल मिला के इतना तेल हमारे पास हो कि हम लोग आपदा आने पर, वॉर होने पर काफ़ी दिनों तक हम सस्टेन कर सकें, हमें बाहर से एनर्जी नहीं भी आ रही हो तब भी देश में हमारा काम चल सके, हो पाएगी दोस्त। NSPR का हेडक्वार्टर नोएडा के अंदर, आगे बढ़े हम लोग यहाँ से। ये कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के तहत आती है दोस्तों। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, बताइए जल्दी से मुझे, हम लोग आगे बढ़ें सभी लोग। ठीक है, ओके, अगली स्कीम दोस्तों स्टैंडअप इंडिया स्कीम। स्टैंडअप इंडिया स्कीम कुछ खास नहीं है दोस्तों, ऑलरेडी चल रही है पहले से हमारे यहाँ पर। 16 में इसको लॉन्च किया गया दोस्तों, 16 में लॉन्च किया गया था,
अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया 2025 एक्सटेंड कर दिया गया दोस्तों। यहाँ पर अल्टीमेटली क्या है सर, हमारे इसका उद्देश्य क्या है, SC ST समुदाय में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना। जी हाँ, रेज करना एंटरप्रेन्योरशिप, प्रमोट करना एंटरप्रेन्योरशिप को, उद्यमशीलता को प्रमोट करना, किस सेक्टर में, SC ST क्षेत्र में। हम चाहते हैं हमारे SC समुदाय के जो हमारे भाई बंधु हैं वो अपने स्टार्टअप बनाएं और सरकार उनको सपोर्ट करे। ये है स्टैंड अप इंडिया स्कीम दोस्तों। और इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए बैंकों को निर्देश देते हैं कि एक बैंक ब्रांच कम से कम 2 स्टार्टअप को सपोर्ट करें, उनको लोन दें, उनको फंडिंग प्रोवाइड कराए। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा, ऐसे स्टार्टअप जिनकी ओनरशिप या तो वुमेन के पास है, SC समुदाय के पास है या ST कम्युनिटी के पास है, तो ऐसे हमारे जो स्टार्टअप हैं उन्हें बैंक से लोन इजीली मिल पाए दोस्तों। स्कीम का नाम है स्टैंड अप इंडिया स्कीम, ठीक है ना। आ जाइए देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। तो ऐसे स्टार्टअप जो महिलाओं द्वारा चल रहे हैं, SC द्वारा चलाए जा रहे हैं, उनमें उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, उनमें हम चाहते हैं स्टार्टअप तैयार हों दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए बैंक लोन की सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं स्टैंड अप योजना के तहत, जो एक्सटेंड हो गई है 2025 तक, ठीक है दोस्तों। हमने कहा है कि हर बैंक ब्रांच कम से कम एक SC या ST और कम से कम एक महिला, यानी एक बैंक ब्रांच दोस्तों कम से कम 2 लोगों को, 2 स्टार्टअप को सपोर्ट करेगी, एक SC या ST या और एक महिला उद्यमी को सपोर्ट करेगी यहाँ पर, और 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का लोन देगी यहाँ पर वो ऐसे स्टार्टअप को, ठीक है दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर होगा आपको यहाँ पर। तो इसमें स्टार्टअप कोई भी हो सकता है दोस्तों, SC ST महिला में 18 वर्ष से अधिक का कोई भी स्टार्टअप व्यक्ति स्टार्टअप खोल सकता है और वो यहाँ पर लोन ले सकता है। लेकिन खास बात, जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कोई महिला किसी कंपनी की मालिक है, वो स्टार्टअप है कोई और उसकी मालिक महिला है, उसे लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि लोन किसके लिए है दोस्तों, केवल ओनली ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए, यानी हरित परियोजनाओं के लिए है। आपको नई फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, नया एस्टैब्लिशमेंट करना पड़ेगा, नया स्टार्टअप खोलना पड़ेगा, तभी मिलेगा आपको सपोर्ट, अदरवाइज आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ में आ रही होगी यहाँ पर। ये चलिए चलिए सर आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। कनेक्ट सेंटर कुछ खास नहीं करना हमको यहाँ पर। चलिए हो पाएगा। देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों आया नहीं है और मैं बहुत संभावना यार इस साल नहीं आया तो फिर मतलब ख़त्म हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और बहुत संभावना इस साल ही आ सकता है। एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट, आइए दोस्तों बात करें इस पर आपके साथ। एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट क्या है, ये कोई क्वेश्चन दोस्तों आपके पास यहाँ तक, कोई प्रश्न? अच्छा एक ही का मतलब क्या होता है, कुछ भी लिख दो बेटा, ये कैसे लिखते रहते हैं ना यार, आप ओके लिख दो, यस लिख दो, ठीक है। ठीक है चलिए आइए दोस्तों टॉपिक का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ध्यान समझिएगा। आप एक बार समझिएगा, कोई बैंक, मैं बैंक से लोन लेता हूँ कोई भी पर्पज़ के लिए, हाउसिंग के लिए, फैक्ट्री के लिए, शादी करने के लिए, पार्टी करने के लिए लोन लेता हूँ बैंक से, इवन टैक्स भरने के लिए लोन लेता हूँ मैं तो बैंक से लोन लिया मैंने, तो बैंक और हमारे बीच जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कैसे तय होता है, कोई कौन सेट करता है वो इंटरेस्ट रेट? क्या वो बैंक करता है, क्या वो RBI करता है, क्या वो मैं करता हूँ, या वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है? कौन तय करता है बताइए पहली बात तो मुझे, आप कौन तय करता है बैंक और मेरे बीच की ब्याज दर? क्या बैंक तय करता है स्वयं से, मैं करता हूँ, RBI करता है या भारत सरकार करती है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ठीक है। ठीक है जनाब, तो हाँ ये तय कौन करता है दोस्तों बताएंगे मुझे आप लोग, लिखेंगे अब तक बता दूँ मैं आपको यहाँ पर, ये तय करता है हमारा बैंक, RBI तय नहीं करता। RBI एक रेपो तय करता है कि भैया मैं बैंक को कितने उधार दूंगा। अब बैंक आगे कितना उधार देगा थोड़ी तय करता है RBI, बैंक चाहे तो उससे ज़्यादा उधार दे, उससे ज़्यादा ब्याज पे दे। और बैंक और मेरे बीच जो संबंध है उसे RBI कंट्रोल नहीं करता, RBI रेगुलेट करता है कि RBI कितने उधार देगा बैंक को, या बैंक से कितना पैसा उधार उठाएगा वो, उस पर क्या इंटरेस्ट देगा।
वो ये तय नहीं करता कि बैंक मुझे किस पर देंगे, यानी वो बेंचमार्क तैयार करता है, बाकी बैंक पे छोड़ता है। बैंक देख ले यहाँ पर, ठीक है, बैंक डिसाइड करते हैं सर, समझिएगा, अधिकतर लोग गलत जा रहे हैं इसमें। आरबीआई केवल बैंक और आरबीआई के बीच का डिसाइड करता है कि रेपो, रिवर्स रेपो या सीआरआर एसएलआर क्या होंगी, उसके बाद बैंक से आप जो ब्याज लेते हैं वो बैंक तय करता है, ठीक है। अब होता क्या है, चूंकि कंपटीशन इतना है तो बैंक बहुत कम मार्जिन लेते हैं, बहुत कम ज़्यादा वो आपसे इंटरेस्ट नहीं लेंगे, अगर बाकी लोग भी देख रहे होते हैं, बाकी लोग को देख के चलते हैं वो लोग। अब तक क्या होता है, आपने बैंक ने उधार लिया आरबीआई से, आगे बांट दिया, उधार लिया 4% पर आगे दे दिया 6% पर, उधार लिया 5% पर आगे दे दिया 7% पर, 2% का मार्जिन लेता है बैंक, 2% का मार्जिन लेता है। कभी कभी आरबीआई क्या करता है, ब्याज दर को बढ़ा देता है, इंटरेस्ट रेट हाइक हो गया 5 to 5.30% वाले 5.5% हो गया, अब बैंक को 5.5% मिल रहा है, बैंक ने आगे बढ़ाकर 7.5% कर दिया, 2% मार्जिन लेकर चलता है बैंक, चलो कर दिया। अब आरबीआई ने क्या किया, लगा महंगाई कम हो गई, कंट्रोल हो गई, चलो ब्याज दर कम कर देते हैं, तो आरबीआई ने ब्याज दर घटाकर 5.5% से फिर 5% कर दिया, बैंक ने नहीं किया, क्योंकि बैंक भी बंधा है आरबीआई से। अब आरबीआई पैसे दे रहा है बैंक को 5% पर, लेकिन बैंक मुझे अभी भी 7.5% पर दे रहा है, मैं कह रहा और फ़ायदा कमा लेते थोड़ा सा, क्या अंतर पड़ रहा है, कौन सा आश्वासन मालूम पड़ेगा क्या हो गया। तो बैंक क्या करता है, कई बार आरबीआई ने जो बैंक को फ्लेक्सिबिलिटी दी है, जो रेट कम किया है, बैंक उसका फ़ायदा ग्राहक तक नहीं पहुंचाता। मुझे लिए 7% होना चाहिए ना ब्याज दर, कि मेरी 7.5% चलती रहती है, तो आरबीआई नाराज होता है, क्या मतलब यार, मैं आपके लिए कम कर रहा हूँ, ग्राहक के लिए कम नहीं कर रहे हैं, आप क्यों फ़ायदा कमाओगे बीच में, गलत है, ये नहीं करोगे आप। तो आरबीआई क्या करता है उस जगह पर, फिर एक्शन तो नहीं ले सकता, आरबीआई कुछ कह नहीं पाता, चुप हो जाता है आरबीआई। लेकिन अब आरबीआई कह रहा है भैया एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट, अब आप एक काम करोगे, आपकी ब्याज दर कितनी होगी मैं तय नहीं करूँगा ना आप तय करेंगे, एक प्रकार से बेंचमार्क रेट क्या होगा, क्या रेपो दर होगी, रिवर्स रेपो दर होगी, उसके लिए आरबीआई ने क्या किया दोस्तों, नया कॉन्सेप्ट लेकर आ गया, वो एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट, ठीक है। आइए इसकी बात करते हैं हम लोग यहाँ से, ठीक है, आइए भारत सरकार ने दोस्तों कुछ साल पहले 2020 में ये व्यवस्था लॉन्च की है, EBLR, पहचान लीजिए शब्द को, जान लीजिए, बहुत काम का है दोस्तों, एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट। पहले हमारा MCLR चलता था दोस्तों, पहले MCLR चलता था, उसके पहले बेस रेट चलता था हमारे यहाँ पर, पुरानी बात हो गई दोस्तों, ये पुरानी बात हो गई है, MCLR पूछ चुका है 2016 के PT में। MCLR के बाद नई व्यवस्था लाई गई, उसका नाम है दोस्तों EBLR, एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट नया लाया गया है, ठीक है। अब ये देखा आरबीआई ने, 2 साल हो गए इस व्यवस्था को आए हुए इंडिया में, अब आरबीआई ने देखा कि यार 100 लोन बांटे जा रहे हैं, मान लीजिए 100 लोन बांटे जा रहे हैं, तो केवल 2.5% लोन ही ना EBLR से अटैच हैं, बाकी 97% लोन अभी भी किससे अटैच हैं दोस्तों, वो जुड़े हुए किससे, पुरानी वाली व्यवस्था से, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तो 71% लोन के आसपास किसमें है सर, अभी वो MCLR के साथ हैं, और 28% के आसपास हो चुके हैं किससे, अब EBLR से, यानी कि देश में 100 लोन बट रहे हैं तो 28 से 29 लोन EBLR से कनेक्ट हैं, और लगभग 90 से अधिक या आप 70 से अधिक लोन बटे हुए हैं, बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं MCLR के साथ। क्या मेरी बात पहुंच पा रही दोस्तों आप तक, ठीक है। हमारे काम का दोस्तों याद रखिएगा, जो काम का है दोस्तों ये, कि जो EBLR है इसमें ब्याज दर कैसे तय होती है, बहुत ही काम का टॉपिक दोस्तों, मुझे लगता है यही पूछ सकता है इस बार के लिए, अभी लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट आ सकता है, ध्यान रखिएगा। जो बेंचमार्क रेट है, एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट जो हमारा है लैंडिंग रेट दोस्तों, वो किससे कनेक्ट है, वो कैसे डिसाइड होता है, आराम समझिएगा, किससे क्लियर जुड़ा होता है, तो आपको याद रखने 4 पॉइंट दोस्तों, यानी बैंक अपनी ब्याज दर अब तय कर रहा है, वो मुझे लोन दे रहा है, उसकी इंटरेस्ट रेट कैसे तय कर रहा है वो, तो उसका 4 पैरामीटर दिया आरबीआई ने, कोई भी एक चूज़ कर लो बैंक, कोई भी एक चूज़ कर लो, और जब ये कम ज़्यादा हो तो तुम्हें भी कम ज़्यादा करनी होगी ब्याज दर। अब इसमें से एक आरबीआई सेट करता है, बाकी 3 बाजार तय करता है। तो आरबीआई क्या कह रहा है, सुनिए ध्यान, सुनिएगा इस बात को मेरी, फिर सुनिएगा, आरबीआई बैंकों कह रहा है, बैंक सुनो, हमने एक नया कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है, इसका नाम है EBLR, एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट। इसमें 4 ऑप्शन देंगे तुमको, KBC खेलते तुम्हारे साथ, तुम कोई भी एक ऑप्शन चुन सकते हो, चुन लिया तुमने ऑप्शन, अब इस ऑप्शन को याद रखो, इस ऑप्शन में जो भी इंटरेस्ट रेट लगा होगा वो डील करना है ग्राहकों के साथ, अगर ये इंटरेस्ट रेट नीचे गया तो तुम्हें भी ब्याज दर नीचे लानी होगी। अब वो 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं, बैंक को क्या क्या ऑप्शन मिल रहे हैं, आइए दोस्तों, तो 4 बेंचमार्क रेट कौन कौन से हैं,
उसकी बात मैं कर दूं यहाँ पर। तो विकल्प दिया है बैंकों को, आप चाहें तो चार को अपनाएं, चाहें तो चल रहा है चलने दीजिए, MCLR जो चल रहा है पुराना चलने दीजिए, अगर आप आना चाहते हैं तो आपके पास चार ऑप्शन है। फिर क्या ऑप्शन है दोस्तों, इसको थोड़ा याद कर लीजिए, बहुत काम का है ये एग्ज़ाम में। एक है RBI का रेपो रेट, हमसे लिंक हो जाओ, हमारा रेपो रेट ऊपर गया तुम्हारा ब्याज दर ऊपर गई, रेपो रेट नीचे आया तुम्हारी ब्याज दर नीचे आएगी, इससे लिंक हो जाओ, कनेक्ट हो जाओ। टी बिल, ट्रेजरी बिल होते हैं दोस्तों, खजानची बिल होते हैं हमारे पास, जो 91 डेज के राजकोषीय बिल, उनको देख लो। एक 6 महीने के टी बिल होते हैं, उनको देख लो, उनकी ब्याज दर क्या चल रही है। या फिर वित्तीय बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित की गई कोई अन्य ब्याज दर, तो हमारा जो इंस्टीट्यूशन है दोस्तों फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड, इसके द्वारा कोई ब्याज दर तय हो रही है उसको आप चेक कर सकते हो। बहुत अच्छी बात कही सर आपने। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा चलूँगा आपको, यार मदद देंगे आप इसके साथ, अब इंटरनेट की क्या करेंगे सर, इंटरनेट पर थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे संस्थान को दोस्तों, फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, मेरी बहुत दिली ख्वाहिश भी है और मेरी इच्छा भी, जानता हूँ सिक्स सेंस कह रहा क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों इस टॉपिक से, फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आइए देखते हैं दोस्तों हम लोग क्या है ये फाइनेंशियल इंडिया बेंचमार्क लिमिटेड, हमारा क्या नाम है पूरा इसका, बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड FIPBL। ठीक है, तो इसको एक बार देख लीजिए इस वेबसाइट को, थोड़ा काम का है दोस्तों, सुनिएगा आराम से। अब RBI ने चार ऑप्शन दिए बैंकों को दोस्तों, चार ऑप्शन दिए हैं कि भैया आप या तो यूज़ करो मेरा रेपो रेट, या टी बिल 3 महीने वाले या 6 महीने वाले टी बिल की ब्याज दर, या फिर FBL द्वारा तैयार की गई कोई बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट दोस्तों। ठीक है, अब इनका इंटरेस्ट रेट हो सकता है कुछ, इनका मनी मार्केट हो सकता है कुछ यहाँ पर, जी हाँ, जैसे इन्होंने तैयार कर रखा है इस समय, कोई अपना तैयार कर रखा है, मान लीजिए 4.3 तैयार कर रखा है, तो ये बेंचमार्क हो गया इनका, इनका बेंचमार्क हो सकता है, कोई भी रेट हो सकता है बेंचमार्क तैयार करेंगे ये, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मेरे काम का है दोस्तों इसको एक्सप्लोर करना है, संस्थान के बारे में आपको बताना, काम की बात है दोस्तों, क्या है ये FBL क्या है दोस्तों, आराम से पढ़ेंगे आपके साथ, FBL क्या है आपकी स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं मेरे संग आप लोग। फाइनेंशियल बेंचमार्क क्या होते हैं, एक प्रकार से आदर्श मात है तो अपने आप में, ठीक है, ये कंपनी क्या है दोस्तों हम बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दोस्तों एक कमेटी सेट की थी यहाँ पर फाइनेंशियल बेंचमार्क पर रिपोर्ट देने के लिए 2013 में, अड़े थे विजय भास्कर उसके अध्यक्ष थे, श्री विजय भास्कर उसके अध्यक्ष थे कमेटी के, उनसे कहा गया था रिकमेंडेशन दीजिए बेंचमार्क के ऊपर। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारी रिकमेंडेशन दी बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, जिसमें 2014 में हमने स्वीकार किया MCLR पहले, और फिर हम बात MCLR क्वेश्चन आया 2016 में दोस्तों उस पर, ठीक है, बाद में हमने कहा कि द फर्स्ट मिनिस्टर फॉर्मेशन ऑफ FBIL, जी हाँ दोस्तों भास्कर ने बाद में बनाया RBI नया FBIL। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेटर है दोस्तों, जो इंटरेस्ट रेट तय करता है अंतर्राष्ट्रीय माहौल को देखकर, यानी शॉर्ट ऑफ क्या कह रहे हैं, विजय भास्कर कमेटी की रिकमेंडेशन पर बनाया गया FBIL, जो एक प्रकार से इंडिपेंडेंटली इंटरेस्ट रेट तय करता है, RBI की रेपो रेट, टी बिल 91 डेज, टी बिल 1-2 डेज, और FIFBL द्वारा तैयार की गई एक एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट। FBIL क्या है, विजय भास्कर कमेटी की रिकमेंडेशन बनाया गया इंस्टीट्यूशन है दोस्तों, ये RBI ने बनाया था विजय भास्कर कमेटी को, उसकी रिकमेंडेशन थी, बनाया गया FBIL, और ये एक प्रकार से इंडिपेंडेंट बेंचमार्क सेटर है, इंडिपेंडेंट बेंचमार्क रेगुलेटर है दोस्तों। ठीक है, इसका मालिक कौन है, 3 लोग, नाम देख रहे हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर, तीनों के नाम देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत काम आएगा स्टेटमेंट। FBIL को बनाया था 3 संस्थाओं ने मिलकर, FIMDDA, FDI और IBA, इंडियन बैंक एसोसिएशन दोस्तों, जो भारतीय बैंक है उनका एसोसिएशन है हमारा ये, दिसंबर 2014 में एज अ कंपनी एक्ट रजिस्टर्ड हुआ था ये। इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है दोस्तों बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट को तय करना, उनको रेगुलेट करना। ठीक है, तो 3 इसके मालिक हो गए दोस्तों, एक मालिक है 76% मालिक कौन है इसका, FIMDAI बताया नाम मैंने इसका आपको,
एफ पहला वर्ड पकड़िए, एफ एम एम डी ए आई, ये पहली संस्थान दोस्तों जो 76% मालिक है इसकी। फिर यहाँ पर दूसरा संस्थान है दोस्तों एफ ई डी ए आई, ये दूसरा संस्थान है दोस्तों 14% मालिक है। और इंडियन बैंक एसोसिएशन इसका तीसरा मालिक है, 10% मालिक है। तो तीन मालिक हैं इसको दोस्तों, सबसे स्टेक किसके पास है, एफ एम एम डी ए आई के पास। एक बार पीछे चलते हैं फिर से आपके सुनिए दोस्तों, फिर पढ़िए एक बार जो मैं लाइन लिखी थी यहाँ पर। जॉइंटली कौन ऑन करता है, एफ एम एम डी ए, एफ ई डी ए आई और आई बी ए, तीनों मिलकर इसको मालिकाना रखते हैं। 76% मालिक कौन है इसका, एफ आई एम एम डी डी ए। ये बनाई गई संस्था है दोस्तों 2014 में, मेन काम है इसका बेंचमार्क को रेगुलेट करना, फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। क्या मेरी बात पहुंच पाई दोस्तों आप तक? तो इनके द्वारा कोई अगर विकसित बेंचमार्क रेट है उसको भी तय कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो चार प्रकार के इंटरेस्ट रेट यूज कर सकता है बैंक, कोई भी एक यूज कर सकता है इसमें से, आपकी स्क्रीन पर चारों हैं। हो पाएगा दोस्तों हमारा काम, ये टॉपिक तैयार हो पाएगा ये? पहले एमसीआर चलता था, उसमें रेपो लिंक नया स्कीम आ गया, रेपो लिंक दोस्तों। पहले एमसीआर था हमारे यहाँ पर, अब आ गया रेपो लिंक, ठीक है। यहाँ पर पहले बैंक को कितने का लोन, बैंक ने पैसा लिया कितने का पड़ रहा है उसके आधार बैंक तय करता था। अब ये लिंक हो गया आरबीआई के लैंडिंग रेट के साथ, आरबीआई के लैंडिंग रेट ऊपर गया तो बैंक की ब्याज दर ऊपर जाएगी, वो नीचे आया तो बैंक को ब्याज दर नीचे करनी ही पड़ेगी, बैंक कुछ नहीं कर सकता इसमें। अब ये हुक हो गया है बैंक आरबीआई के साथ, पहले आरबीआई अलग चलता था, बैंक इसको देख के ऊपर या नीचे चलता था, कई बार मन आया तो नीचे नहीं आया, बैंक वहीं रह गया। लेकिन अब जुड़ा है, हुक है, ये ऊपर जाएगा रेपो तो बैंक ब्याज दर ऊपर जाएगी, रेपो कम होगा तो सीधा फायदा मिलेगा आम आदमी को, उसके लोन सस्ते हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो रेट कट्स आर ऑटोमेटिकली पास डाउन, सबसे काम की बात ये है आपके लिए। अब जब आरबीआई ब्याज दर कम करेगा तो बैंक को बाय डिफॉल्ट कम करने ही पड़ेंगे। पहले क्या होता था, आरबीआई रेट कट करता था, नॉट फुली पास ऑन टू द बोरोअर, जी हाँ, बैंक ग्राहक तक पास नहीं करता था इसको, वो समस्या खत्म हो जाएगी यहाँ पर। ये भी 2 महीने में आया करेगा, ये भी 2 महीने में आता है आजकल, तो रेपो 2 महीने में आता है हमारा, यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। चलिए, क्या टॉपिक तैयार है दोस्तों हमारा, ये ओके सर, सवाल हमारे पास साइंस एंड टेक, धर्मेंद्र पूछ रहे हैं साइंस एंड टेक सर, वॉलंटियर बेसिस, हाँ जी, अभी विकल्प दिया बैंकों को आरबीआई ने, चाहे तो यूज करें ना कर, चाहे तो ना यूज करें। दोस्तों याद रखिएगा, हमारा आज क्लास होगा 9:30 पर शाम को, जिसमें एमसीक्यू रहेंगे आपके आईआर के एमसीक्यू रहेंगे दोस्तों आपके, ये आप देख रहे हैं थंबनेल बना ही रहा था बैठ के, टीम नहीं है मेरी तो मैं खुद ही काम कर रहा था, प्लान था मेरा कि सुबह मैं मिल पाऊंगा आपको 10 बजे, लेकिन टीम नहीं थी आज तो थंबनेल बना रहा था इवन बैठ के मैं। तो ये शाम का थंबनेल दोस्तों अपना, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन करंट अफेयर्स प्रीलिम्स लेक्चर 8 IR MCQ मैराथन, ठीक है दोस्तों, 9:30 बजे होगा अपना, ये YouTube पर होगा दोस्तों, याद रखिएगा, इसको मिस मत कीजिएगा। केवल MCQ नहीं होंगे, इस पर डिस्कशन होगा आपके साथ, ठीक है। अच्छा, और याद रखिए दोस्तों, स्कीम पुरानी हो गई है वैसे, 2 साल हो गए स्कीम पाए हुए, एग्री इंफ्रा फंड, ठीक है। इस पर एक यूट्यूब पे लेक्चर तैयार किया था, बड़ा शानदार लेक्चर तैयार था दोस्तों, जो डिफरेंट एग्रीकल्चर में जो फंड बने ना हमारे पास, पर यूट्यूब पर एक पूरा लेक्चर था, टाइप कीजिए एग्री इंफ्रा फंड मिल जाएगा यूट्यूब पर मेरे नाम पर आपको, ठीक है। आइए बात कर लें, मॉडिफिकेशन किया गया है यहाँ पर, इस योजना में संशोधन किया गया है, तो मॉडिफिकेशन किया गया कैबिनेट के द्वारा,
तो पुरानी योजना क्या थी, क्या मॉडिफिकेशन किया? कुछ खास मॉडिफिकेशन नहीं है, जान लीजिए दोस्तों, क्योंकि 100% पैसा कहाँ से आता है इसका? सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है। ये बात करते हैं एग्री इंफ्रा फंड, नाम से स्पष्ट होगा एग्री इंफ्रा फंड, यानी कि कृषि के लिए आवश्यक अवसंरचना कोष। दोस्तों आइए रहा, तो कृषि अवसंरचना कोष जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है उसमें कुछ संशोधनों को मंजूरी दी है यहाँ पर। आइए बात कर लेते हैं क्या है स्कीम ये। दोस्तों स्कीम को निर्माण किया गया था मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत। कृषि में पोस्ट हार्वेस्टिंग, फसल कटाई के बाद जो अवसंरचना की आवश्यकता होती है, स्टोरेज चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, मंडी चाहिए, ऑनलाइन मार्केटिंग चाहिए आपको, उसके लिए उस इंफ्रा को तैयार करने के लिए आपको सरकार सहायता करती है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ फसल उपरांत पोस्ट हार्वेस्टिंग की बात हो रही है यहाँ पर, फसल कटाई के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए आपको उसके लिए मदद करेंगे, सरकार मदद करेगी आपकी दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, तो कोल्ड स्टोर बनाना है दोस्तों आपको, वेयर हाउस बनाना है, भंडार करना है, ई ट्रेडिंग करनी है आपको, आपको उसकी पैकेजिंग करनी है, इन सब के लिए सरकार मदद करती है आपके अंडर द स्कीम, जिसमें हम बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यहाँ तैयार किया सरकार ने। 13 साल का फंड है दोस्तों ये, 13 साल तक चल रहेगा फंड ये, ठीक है। खास बात क्या है दोस्तों वो समझ लेते हैं। पहले इसमें लोन किसको मिलता था, इसमें लोन मिलता था केवल दोस्तों यहाँ पर किसानों के लिए, कुछ लोगों के लिए था। आप किस किस को मिलेगा दोस्तों सुन लीजिए, अब इसके तहत एलिजिबल बेनिफिशियरी कौन कौन होंगे, ये बदलाव हुआ है यहाँ पर, केवल ये बदलाव हुआ है बड़ा यहाँ पर। यहाँ पर पीएससी लोन ले सकती हैं इस काम के लिए, पीएससी प्राइमरी हमारी जो एग्रीकल्चर कमेटीज़ हैं वो लोन ले सकती हैं, सहकारी समितियाँ लोन ले सकती हैं, एफपीओ लोन ले सकते हैं, एसएसजी स्व सहायता समूह ले सकते हैं, किसान संयुक्त देयता समूह जी हाँ जीएलजी होते हैं हमारे यहाँ पर, जॉइंट लाइबिलिटी 10 किसान मिलकर अपना ग्रुप बना लें वो लोन ले लें वो हो सकती हैं, बोल सकते हैं मल्टीपर्पज़ कॉपरेटिव एजेंसी हो सकती हैं सर, एंटरप्रेन्योरशिप हो सकती है, स्टार्टअप काम कर रहे हैं कृषि वो ले सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आदि को शामिल किया गया है दोस्तों। काम की बात है कौन कौन लोन ले सकता है एग्री इंफ्रा फंड के तहत, ठीक है सर। अब क्या होगा, अब इसको बढ़ा दिया गया दोस्तों, अब यहाँ पर एपीएमसी के साथ जो मंडियाँ हमारी हैं, स्टेट की एजेंसीज हैं, स्टेट में कोई एजेंसी सरकारी एजेंसी राज्य की, वो भी लोन ले सकेगी इस योजना के तहत, ठीक है। तो सहकारी संगठन है, एफपीओ है, एसएसजी सब तो है ही हैं, इसके अलावा राज्यों की जो सरकारी कंपनियां हैं वो भी यहाँ लोन ले सकेंगी इस योजना के तहत। चले तो यहाँ पर सरकार ने लोन सस्ते देती है, सरकार इसमें कोलेटरल फ्री लोन देती है, कोई आपको यहाँ पर गारंटी देनी पड़ती है लोन के पीछे, लोन यहाँ कोलेटरल फ्री हो सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ से, चलो दोस्तों यहाँ मैं क्लास को रोकना पड़ेगा मुझे आपकी, 1:30 हो गया, मेरी दूसरी क्लास का टाइम हो गया मेरी, कोई बात नहीं, मैं तो टाइम लगा 12:30 से 1:30 घंटा हो जाएगा, थोड़ा लेट क्लास स्टार्ट हुआ, कोई बात नहीं, 1:30 मेरा अगला क्लास है। सो मुलाकात करूँगा रात को आपसे हमें, ठीक है, रात को मुलाकात करेंगे आपसे, रात को सब लोग लाइव रहिएगा, अच्छा लगेगा आपको दोस्तों। बाकी दोस्तों याद रखिए अपने प्लस पर कोर्स चल रहे हैं इस समय, प्लस पर क्या कोर्स चल रहा है दोस्तों अपना, एनसीईआरटी बैच चालू किया हूँ दोस्तों आपके लिए यहाँ पर मैं, एनसीईआरटी इकोनॉमी का दोस्तों बेसिक फाउंडेशन बैच है अपने यहाँ पर इकोनॉमी के लिए दोस्तों, एनसीईआरटी बैच लॉन्च हुआ है आपके लिए, 2-3 क्लास हो गए हैं इसके, ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों मुझे यहाँ पर आप, बाकी आप जुड़ सकते हैं अकेडमी प्लस पर, ना केवल मुझसे बाकी इन सभी टीचर्स जुड़ सकते हैं एक साथ यदि आप सब्सक्राइब करते हैं। मैं तो यहाँ पर स्कीम चल रही है सीएससीएसईओ, जहाँ पर 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पर दोस्तों 1 साल का निःशुल्क दिया जा रहा है आपको, अनअकैडमी कॉम्पैक्ट है दोस्तों, आप मिस नहीं करना आपको, ये कॉम्पैक्ट होगा कल आपका, कल सुबह 11 बजे, कॉम्पैक्ट मिस नहीं करना दोस्तों आपको, जहाँ प्राइस है आपके लिए। इसके अलावा मॉक टेस्ट भी है कल, जो आपके ऑफलाइन भी होंगे और ऑनलाइन भी रहेगा दोस्तों, इन शहरों में ऑफलाइन है अगर आप तो ऑफलाइन दे सकते हैं, दिल्ली एनसीआर, प्रयागराज, जयपुर आदि में, और बाकी ऑनलाइन रहेगा दोस्तों आपके लिए, टेस्ट ऑनलाइन दे सकते हैं आराम से, कोड यूज़ कीजिएगा Sherwood10। बाकी दोस्तों आप जानते हैं इस समय सब्सक्राइब करते हैं तो आपको फ़ायदा होता है आइकॉनिक में, कि हमारे मेंटर गाइड करते हैं, स्टडी प्लान करते हैं और आपके लिए क्वेश्चन आंसर चेक भी करते हैं दोस्तों, ठीक है। जुड़ सकते हैं हमारे साथ दोस्तों आप लोग, राइट नाउ फीस है आपके लिए 47,000 फॉर प्लस कोर्स, 67,000 फॉर आइकॉनिक कोर्स दोस्तों फीस है हमारी यहाँ पर, 12 मंथ के लिए जीएस का। जुड़िए हमारे साथ, ना केवल मेरी क्लास कर पाएंगे बल्कि वहाँ जो मेरे कोर्स आने वाले हैं अगले 1 साल तक, या अन्य फैकल्टी के जो कोर्स हैं उन सभी को आप कर सकते हैं एक साथ दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो यहाँ अपनी क्लास को रोकेंगे दोस्तों हम लोग, बाकी स्पेशल क्लास होगी रात में, तैयार रखिएगा। आज पहले तो हम लोग बात करेंगे अपनी 100 क्लास के ऊपर, 100 वाली क्लास जो 100 MCQ हैं, प्लस एक स्पेशल क्लास होगी आपके अनअकैडमी ऐप की वो जो कल सुबह होगी। अभी दीजिए मुझे आज्ञा, मुलाकात होगी रात के 9:30 बजे आपके साथ, तब तक दोस्तों थैंक यू, शुक्रिया।